No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear. मतलब कब से कर रहा हूँ पता है, मतलब 28 मिनट के दो वीडियो बना रहा हूँ। Only up, never down, walking around till I'm found. Get a sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring now, so you never have a doubt. फटाफट ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपके, फटाफट कर लेते हैं इनको सॉल्व। यहाँ पर आपके पास ये 2 डिग्री इक्वेशन है, इसका ए क्या है, पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है मतलब इसका कुछ ऐसा माउथ रहेगा, मतलब आपको क्या मिलने वाला है इसका मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट में क्या होने वाला है, एक्स की वैल्यू सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस बी बाय ए बाय टू। तो ये आपको अच्छी तरह पता है इसकी माइनस टू बाय वन इंटू वन बाय टू, आंसर इज माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन रहेगी और जो ये आपका फंक्शन है वहां पर एफ ऑफ माइनस वन आप निकाल लेंगे, तो जो भी आप एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे वो आपका आंसर होगा। वैसे ही यहां पर अगर आप सॉल्व करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, आपको मिलने वाला है इसका मैक्सिमम पॉइंट, एक्स की वैल्यू रहेगी इसमें माइनस टू बाय माइनस वन डिवाइड बाय टू। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और उसका एफ की वैल्यू डाल लेंगे। यहां पर देखेंगे आप तो फिर से आपको मिलने वाला है यहाँ पे क्या, मैक्सिमम पॉइंट। तो आप मैक्सिमम लिखकर एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस फोर बाय माइनस थ्री बाय टू और एक्स की वैल्यू यहां पर डालकर इसका आंसर निकाल देंगे। सेम यहां चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के साथ, यहां पर आपको फिर से क्या मिलने वाला है, आपको मिनिमा मिलने वाला है। मिनिमा मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टू बाय वन डिवाइड बाय टू, इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी आप ऐसे करेंगे, आपके पास फिर से कर्व आपको घूमेगा ये ऐसा, आपके पास यहाँ पे फिर से क्या आएगा, मिनिमा वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस वन बाय वन बाय टू। तो आपके पास इस तरह से बहुत ही आसानी से सवाल आ जाते हैं। एक सवाल हम कर लेते हैं फिर से परफेक्ट स्क्वायर से, शॉर्टकट तरीके से बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर से करके। तो परफेक्ट स्क्वायर का पहला रूल तो यही होता है कि 16 कॉमन निकाल लें, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो कॉमन निकाल लिया जाए। जैसे ही 16 कॉमन निकलेगा यू आर लेफ्ट विथ कुछ ऐसा 7 बाय 4 बचेगा, जैसे ही आप 16 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि आ जैसे ही 16 को डालेंगे तो ये 28 आ जाएगा। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर 1 बाय 4 और माइनस 1 बाय 4 आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय 4 प्लस 7 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, तो ये आपका कुछ ऐसा रिड्यूस होने वाला है जिससे आपका ये फॉर्मूला बनने वाला है, जो कि रहेगा 16 टाइम्स एक्स माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 6, तो 16 टाइम्स एक्स माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 2। क्योंकि अगर मैं ग्राफ की तरफ देखूं तो आपका 16 पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा आने वाला है। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है आपको, मिनिमा, मतलब ये आपको मिनिमा वैल्यू देने वाला है। और यहां पर मिनिमा पॉसिबल तभी है जब आप इस वाले टर्म को जीरो कर दें, इस टर्म को जीरो करेंगे तब जाकर आपको मिनिमा मिलेगा। तो एक्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 बाय 2। अब आपको ये x 1 बाय 2 जो है वो आपको पूरे वैल्यू में डालना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा आपके पास f 1 बाय 2 इज इक्वल टू 16 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 16 1 बाय 2 प्लस 28। तो 16 इंटू 1 बाय 4 माइनस 16 बाय 2 प्लस 28 4 माइनस 8 प्लस 28 और यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 24। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फंक्शन है मैं fx जिसकी बात चल रही थी बहुत देर से, ये फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, मिनिमम आई है। मिनिमम वैल्यू आई है इसका मतलब आपको यहाँ पे साइन क्या डालना पड़ेगा कि इट इज दिस इज मिनिमम वैल्यू, तो वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 24 और इक्वल टू 24। तो fx विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 24 क्योंकि मिनिमम वैल्यू है, वैल्यू इससे नीचे नहीं जाएगी कभी, पर ऊपर हमेशा रहेगी या इसके बराबर रहेगी। तो fx इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 24। इस तरह से आपको अपने आंसर का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब एक ऐसा फंक्शन है sin 2x plus 3 mod के अंदर, क्या होने वाला है इसका देखते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकलेगा। तो भैया पहले शुरुआत करने से पहले बता दूं, साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करता है, मतलब साइन एक्स इज समथिंग विच लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, पर वो बात कर रहा है साइन टू एक्स की। तो अब धीरे धीरे मैं उसके पास आऊंगा। अगर साइन एक्स लाई करता है इतनी वैल्यू पे तो साइन टू एक्स भी लाई करेगा कुछ इसी तरह से। अब वो बोल रहा है साइन टू एक्स प्लस थ्री, तो भैया यहां पे किसकी कमी है, थ्री की कमी है। तो भैया एडिंग थ्री इन ऑल द थ्री पार्ट्स, तो अगर आप माइनस वन प्लस थ्री करेंगे यहां पर, तो यहां पर भी आप प्लस थ्री कर सकते हैं
और यहां पर भी आप प्लस थ्री करेंगे तो यहां पर आएगा साइन टू एक्स प्लस थ्री फोर और यहां पर आएगा आपके पास टू। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी टू और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी फंक्शन की वो रहेगी फोर। तो इतने आसानी से भी कई बार सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखिए आपके पास छोटा सा फंक्शन आएगा तो अभी तक हम जो करते आ रहे हैं उससे काम हो जाएगा, लेकिन कई बार थोड़े टेढ़े आड़े फंक्शन हो जाते हैं, डिग्री बढ़ जाती है तो वो सम ऑफ जीरोज वाला कॉन्सेप्ट लगता नहीं है, ना ही वो परफेक्ट स्क्वायर वाला लगता है और ना ही वो लगता है जो हमने शुरू में पढ़ा था कि एक्स रहेगा तो मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या। देखिए अब हर बार आपको छोटा फंक्शन मिलेगा नहीं, अगर फंक्शन छोटा मिलेगा तब तो हमारा जो पिछले हमने किया सम ऑफ जीरोज वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला या एक्स पे क्या वैल्यू रहेगी मैक्सिमम मिनिमा या माइनस एक्स पे क्या रहेगी या एक्स स्क्वायर पे क्या रहेगी या माइनस एक्स स्क्वायर पे रहेगी, लेकिन हर बार ये चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कभी ऐसा अजीबोगरीब फंक्शन आ जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके दो और तरीके हैं। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बुक में या आपने जहाँ भी अभी तक पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से बताऊँगा आप लोगों को सब समझ में आएगा। बस कुछ स्टेप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास कभी ऐसा कोई फंक्शन आता है जिसमें आप जो पुराने रूल लगा नहीं सकते तो आपके पास यहाँ पे दो तरीके और आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए दोस्तों अगर आपके पास पहले जैसे फंक्शन आते हैं टू डिग्री वाले या उससे छोटे तब तक तो वही रूल काम आएंगे जो मैंने आपको अभी तक समझाए, लेकिन कई बार ये ऐसे टेढ़े आड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ऐसे में मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस रूल को फॉलो करिएगा, बाकी जगह पे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं, इतना परेशान आप मत होइएगा। सिंपल चीज़ है, जैसे कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा फंक्शन आए तो आपको ये समझना है कि स्टेप्स याद कर लीजिए। इस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप तो एफ एक्स का निकल जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स के बाद उसको आप इक्वल टू जीरो कर देंगे और इक्वेशन सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। अब एक्स की शायद एक वैल्यू निकले, दो निकले, तीन निकले, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। और जब एक्स की वैल्यू निकल जाए उससे स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर के आप केसेस बना लें। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो दिमाग में एक चीज बात याद रख लीजिए कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। पहला डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगता है इसमें, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो एफ डैश एक्स आ गया और आपको पता है कैसे सॉल्व होता है इसमें, x प्लस टू का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस टू डी बाय डी एक्स ऑफ वन माइनस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस टू। तो इसका आंसर आता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि डी बाय डी एक्स ऑफ वन हो गया है जीरो हो गया, इतना पार्ट पूरा खत्म, तो जीरो और माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ दिस होता है माइनस ऑफ टू एक्स। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर और यहां पर आपके पास ये f डैश x आ गया है। अब मैंने आपसे बोला कि f डैश x इक्वल टू जीरो, तो अब आपने जब इस चीज को इक्वेट किया जीरो से तो माइनस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर जीरो। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहां तक आपको याद करना है फंक्शन में वो पुराने वाले रूल ना लगे तो आपको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो आपने डिफ्रेंसिएशन किया, एफ डैश एक्स निकाला और इसको इक्वल टू जीरो किया, ये याद रखिएगा आप लोग, और इससे एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू यहां पर एक ही आ रही है तो दिक्कत नहीं होगी, शायद दो या तीन या चार सब आ सकती हैं। तो कैसे कैसे बिहेव करना है उसका देखिए जरा आप। अब एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इसमें दो केस बनते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, दो केस ये बनते हैं कि एक रहेगा स्लाइटली लेस और एक रहेगा स्लाइटली मोर। तो यहां पर आपने लिख दिया स्लाइटली लेस देन जीरो और यहां लिख दिया स्लाइटली मोर देन जीरो। तो स्लाइटली लेस देन जीरो का मतलब एक वैल्यू कम, मतलब माइनस वन। अब ये वैल्यू आप डालेंगे एफ डैश एक्स में। अब यहां से एक्स छोटी वैल्यू थोड़ी सी और यहां पर एक्स थोड़ी बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू डालेंगे आप f डैश x में। आपको अच्छी तरह पता है कि x से छोटी वैल्यू, हल्की से छोटी वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगा आपका नेगेटिव, और x से हल्की सी बड़ी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, x रहेगा आपका पॉजिटिव। अब x की छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आप डालेंगे f डैश x में तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये है आपका f डैश x। यहां पर अगर माइनस वन डाल दें या माइनस टू डाल दें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहां पर अगर x की माइनस वन डाल देंगे तो माइनस वन और माइनस वन प्लस टू, तो यहां पर आपकी वैल्यू फंक्शन f डैश x की क्या आएगी आपकी पॉजिटिव। और अगर आप x की यहां पर पॉजिटिव वैल्यू डालें, वन डाल दें, टू डाल दें, तो पूरे के पूरे f डैश x की वैल्यू क्या आएगी,
नेगेटिव, तो आप यहां लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। और आपको मैंने पहले समझाया था कि अगर कोई फंक्शन है वो पहले पॉजिटिव होता होता नेगेटिव हो जाए तो आपको जो मिलता है वो होता है मैक्सिमम पॉइंट। आपको मैंने अभी ग्राफ समझाई थी वो चीज, अगर इसका उल्टा होता, अगर नेगेटिव होते होते पॉजिटिव हो जाता तो आपको मिलता है इसका मिनिमम पॉइंट। इस तरह से डिसाइड होता है मैक्सिमम या मिनिमम। अब आपको इसका लोकल मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। लोकल मैक्सिमम के लिए आपको सिर्फ ये x इज इक्वल टू जीरो कहां पर डालना है, fx में आप जैसे ही ये वैल्यू डालेंगे f ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू 1/0² + 2 दैट इज 1/2। तो आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट आपका आ गया है 1/2। मैं आपको फिर से स्टेप याद करवा रहा हूं, फिर से एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको कोई बड़ा फंक्शन मिल जाए तो पहले उसका आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो उसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। इस तरह से वहां से एक्स की एक दो या तीन वैल्यू आएंगी, उस एक्स की वैल्यू को जितने भी वैल्यूज आई हैं वो केसेस के फॉर्म में लेकर स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर करके केस बनाएंगे उसके, और उसके बाद आप एक एक करके निकालते जाएंगे कि उस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम। याद रखिएगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बहुत सारे आ सकते हैं। अगर ऐसे ही x इज इक्वल टू जीरो भी आता, x इज इक्वल टू वन भी आता, टू भी आता, तो सबके लिए अलग अलग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट निकल जाते। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको साफ साफ दिया हुआ है कि एक 5 डिग्री इक्वेशन है और आपको ये प्रूव करना है कि इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट आएंगे, और नाइदर वाला पॉइंट भी आएगा जब x इज इक्वल टू जीरो रहेगा तब। मतलब इसके आपके 3 वैल्यू आने वाली है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 0। आपको लोकल मिनिमा मिलने वाला है, लोकल मैक्सिमा मिलने वाला है, और नाइदर। नाइदर वाला केस वो है जो मैंने शुरू में समझाया था, कोई इन्फ्लेक्शन वाला, जब ना ही मिनिमम आता है ना ही मैक्सिमम आता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहां पे देखिएगा, मेरे पास इक्वेशन है, मैं इस पे लगाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू निकालकर आप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर वाले केस में रख के। देखते क्या करना है। अब यहां पर आया आपका एफ डैश एक्स, डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं, 5x की पावर 4, 20x³ + 15x². अब आपको पता है कि यहां से मैं 5x² कॉमन निकाल सकता हूं, तो 5x² कॉमन निकल गया यहां पे, x की पावर 2 - 4x + 3। अब आपको पता है कि यहां पे मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, 5x² - 3x - x + 3। यहां से आपके पास दो वैल्यू और आ जाएंगी जो कि रहेगी x-3 और x-1। आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर तीन केस बनने वाले हैं, x इज इक्वल टू जीरो वाला केस जो कि यहां से आ रही है x इज इक्वल टू जीरो, और एक आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमने कम से कम ये तो शो कर दिया है कि यहां ये तीन वैल्यू आएंगी। अब ये शो करना है कि इसमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब नाइदर वाला केस आने वाला है। अब यहां पर आपके पास तीन वैल्यू आई हैं और तीन वैल्यू के लिए आपने ऐसे तीन केस बना लिए हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए 2 केस, स्लाइटली लेस देन 1 स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली लेस देन 3 स्लाइटली मोर देन 3, स्लाइटली लेस देन 0 स्लाइटली मोर देन 0। कैसे देखते हैं केस, ऐसे ही आप केसेस बनाइएगा ताकि एग्जामिनर को चेक करते टाइम समझ में आए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि ग्राफ कैसे बनाना है। यहां पर x इज इक्वल टू 1 है, स्लाइटली लेस देन 1 स्लाइटली मोर देन 1, पूरा क्लियर है। अब अगर 1 से एक वैल्यू कम, हल्की सी कम लेंगे तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहां पर f डैश x में आपको डालनी है वैल्यू 0, ये 0-3 नेगेटिव, 0-1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको पता है कि जब यहां पर पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी, तो f डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मतलब 2 ले लेते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 2-3 - 1 नेगेटिव, 2-1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पर आपका पॉजिटिव आया था, पर यहां पर आपका f डैश x आ गया नेगेटिव। अब यहां पर देख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 पे स्लाइटली लेस देन आपका 3, तो क्या लेंगे, 3 से कम 2, 2-1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका यहां पर आएगा f डैश x नेगेटिव। और 3 से थोड़ा ज्यादा मतलब 4 ले लेते हैं, तो 4-3 - 1 पॉजिटिव, 4-1 - 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपके पास f डैश x आ गया पॉजिटिव। अब ले लेते हैं 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा ज्यादा, तो 0 से थोड़ा कम मतलब -1। अब -1 अगर आप इसमें डालेंगे तो -1 - 3 -4 और यहां पर आएगा 0, तो 0 में जब पूरे की पूरी चीज कैंसिल हो जाएगी तो ये क्या आएगा आपके पास, पूरी चीज 0, तो इसका मतलब ये आपका आ गया 0 इज टिकर एज पॉजिटिव टर्म। अब यहां देखते हैं x इज इक्वल टू 0,
तो एक वैल्यू आएगी माइनस वन पे, मैं आपको माइनस वन और प्लस वन पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं वैल्यू। यहां पर जब आप माइनस वन डालेंगे तो यहां पे आएगा माइनस वन का स्क्वायर जो कि हो गया पॉजिटिव, यहां पे माइनस वन माइनस थ्री और यहां पे हो गया माइनस वन माइनस वन। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, क्योंकि यहां पे माइनस टू है और यहां पर माइनस फोर है तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है यहां पर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि पॉजिटिव आपका आंसर यहां पर आ रहा है। अब स्लाइटली मोर देन जीरो मतलब जीरो से थोड़ा ऊपर मतलब प्लस वन, अगर आप प्लस वन डालते हैं यहां पर तो एक आएगी वैल्यू यहां पर वन का स्क्वायर, वन माइनस थ्री वन माइनस वन। अब वन माइनस वन करने के कारण यहां पे पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, जीरो को हम पॉजिटिव टर्म ही लेते हैं। तो यहां पर फिर से आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब आप ये देखिए, अगर यहां पर एक पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपको मिलता है यहां पर लोकल मैक्सिमा। जब आपके पास नेगेटिव से होते हुए फिर पॉजिटिव जाता है तो आपको मिलता है लोकल मिनिमा, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है मतलब आपको टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता है, टर्निंग पॉइंट नहीं मिलता है तो नाइदर लोकल मिनिमा नाइदर लोकल मैक्सिमा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बचा है एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको तभी लगाना है जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए, नहीं बोला जाएगा तो आप जिस तरह से आपने फर्स्ट ऑर्डर के आंसर निकाले हैं वही केस बनाकर स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर वाले आप सॉल्व कर सकते हैं। पर बाय चांस आपको जो अभी क्वेश्चन किया इसमें लिखकर आ जाए कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। अभी तक की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी, आप पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें क्योंकि इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं आप तो आपके पास उस फंक्शन की एक या दो या तीन या चार वैल्यूज आएंगी। तो यहां पर जिस तरह से हमारा अभी तक जो हमारा पहले क्वेश्चन में किया हुआ था यहां तक सेम आई, वैल्यूज आ गई, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोल रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। तो इसी इक्वेशन को आप एक बार डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। अब जब आपके पास f डबल डैश x की वैल्यू आ गई है और आपके पास यहाँ पे तीन वैल्यू हैं 0, 3 और 1, आपको ये 0, 3 और 1 यहाँ पर डालनी है। मतलब आपको पहले f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा डबल डैश पे, f डबल डैश ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों में आएगी। सीधी बात यह है, अगर आपके पास कभी भी लेस देन जीरो वैल्यू आए या फिर मोर देन जीरो वैल्यू आए तो आपको ये याद रखना है कि इसमें उल्टा चलता है। जब जीरो से कम आए मतलब नेगेटिव वैल्यू आए तो आपका लोकल मैक्सिमा निकला है, जब आपके पास मोर देन जीरो आए मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए तो इससे इसका मिनिमा निकलता है। याद रखिएगा सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से डरना नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया है, सेकंड ऑर्डर मैंने बता दिया है कि इतनी स्टेप एफ डैश एक्स तक सेम रहेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो भी सेम रहेगा और x की वैल्यू 1, 2, 3 जितनी वैल्यू निकल रही है वो भी सेम रहेगी। बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में इसमें आप स्लाइटली लेस और मोर वाला केस करते हैं और सेकंड ऑर्डर में आप स्लाइटली लेस या मोर ना करके इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएट करते हैं और जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो उसमें डालते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि केस तो तीन ही बनते हैं, या तो नेगेटिव वैल्यू आएगी या जीरो वैल्यू आएगी या पॉजिटिव आएगी, मतलब लेस देन जीरो आएगी तो आपका निकलेगा मैक्सिमा, मोर देन जीरो आएगी तो आपका निकलेगा मिनिमा, और जीरो आएगी तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। थैंक यू मेरे दोस्तों, ग्राफ की स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी सब राहुल दागड़ संभाल लेगा। Now, am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, without my nose.